Hi, my beautiful Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Libra? Thank you so much. Just nee made channel subscribe. Ke. It really means a lot, Libra. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर है व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करिए हाई पेज और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस ओके लीबरा ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जी हाँ अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है इशूज और इफ़ यू जनरली वॉन्ट टू चेक द एनर्जीज आप ये वीडियो देख सकते हो लीब्रा सो लेट्स गेट स्टार्टेड अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए ओके angels higher beings and ancestors love life for libra in the month of october 2024 no contact situation okay let's cut the deck hmm. let's cut the deck hmm. mutual energies between both of you is summer current energies of your person is uh, sun splendor intention of your person is uh, The great work, future action of your person is uh, Chiron, nice. Your energy, Sun and future of this whole connection is uh, the Androgene, <laughs> nice. Bottom of the deck is Neptune. Okay. yahan pe third party situation hai और ये जो third party situation है वो हटते हुए दिख रही है आपके केस में Libra, very nice. जोड़ेक uh, साइन चलो बता देती हूँ

ये माफी मांगते हुए दिख रहे मेरे हिसाब से इन्होंने कुछ किया है ये माफी मांगते हुए दिख रहे हैं आप मान के चलो पंद्रह दिन दस सेवन टू फिफ्टीन डेज के अंदर अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं ये माफी मांगते हुए दिख रहे लिब्रा एंड स्टेबिलिटी आ रही है इस कनेक्शन में यार स्टेबल हो रहा है कनेक्शन लेट्स जस्ट गेट

मोर देन लव लव तो है ही फॉर श्योर लव से ज्यादा आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोग एक दूसरे के पहले फ्रेंड्स बने होगे फिर lover बने होगे फिर लवर बने और वही दिख रहा है लीब्रा म्यूचुअल एनर्जीज में कि आप दोनों कोई नेगेटिव नहीं सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में मेरे हिसाब से आप इनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो और आपका पर्सन आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो एक जो अंडरस्टैंडिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जितना मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप होते हुए दिख रही है आप दोनों एक दूसरे का पक्ष समझ रहे हो आप दोनों एक दूसरे की बातें समझ रहे हो और जैसा मुझे दिख रहा है म्यूचुअल में पसंद बहुत करते हो एक दूसरे को प्यार बहुत करते हो आप दोनों एक दूसरे एक दूसरे के साथ एक फ्यूचर देखते हो दोनों सीरियस हो जैसे अगर आपकी एनर्जी ना लीपर जैसे अगर आप प्यार करते हो आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो आपका पर्सन भी एग्जैक्टली वही एनर्जी रखता है सो so म्यूचुअल यहाँ पे काफी म्यूचुअल mutual, म्यूचुअलिटी है रिस्पेक्ट है लव है केयर है केयर और लव से कई गुना ज्यादा आप दोनों के बीच में जो दोस्ती है जो फाउंडेशन है आप दोनों रिश्ते का वो बहुत स्ट्रांग है और जब फाउंडेशन जब बुनियाद ही स्ट्रांग होती है तो अगर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आती है वो भी चली जाती है यहाँ पे छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसा मुझे दिख रहा है दो थर्ड पार्टी सिचुएशन वो की जो कि इनका कोई फ्रेंड दिख रहा है कोई तो इनका फ्रेंड है जो इन्हें आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश कर रहा है बट इन्हें अकल आ रही है आपके पर्सन को ओके लेट्स टॉक अवर्थ द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन सन स्पलेंडर विथ सन वेरी नाइस यार आप खुश रखते हो उस पर्सन को यू आपने इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी आप बहुत खुशियां लेके आए उस पर्सन में मेरे हिसाब से ये बहुत ग्रेटफुल है बहुत शुक्रियादा शुक्रियादा वाली एनर्जी में कि यस लिब्रा ने मेरी लाइफ में मेरी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियां लेके आए करेंट एनर्जीज में इन्हें रियलाइज हो रहा है कि यार लीब्रा एक एक्चुअली एक अच्छा पर्सन है लीब्रा का पॉइंट ऑफ व्यू सही है मेरे हिसाब से जो जो पॉइंट्स आपने रखे जो जो बातें आपने रखी नो कांटेक्ट सिचुएशन से पहले पहले वो आपकी बातें समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं हाँ कि लीब्रा करेक्ट बोल रहा है लीब्रा गलत नहीं बोल रहा है सेल्फिश नहीं हो रहा है और मुझे यहाँ पे यही दिख रहे मेरे करंट एनर्जीज कि ये अपना बिहेवियर ये अपना जो जिस बिहेवियर से आपको प्रॉब्लम हो रही थी लीब्रा वो अपना बिहेवियर चेंज करने की सोच रहे हैं एंड करंट एनर्जीज में डेफिनेटली बात करना चाहते हैं मैं पंद्रह दिन तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ उससे पहले पहले ही ये आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं एंड करंट एनर्जीज में दे वॉन्ट टू टॉक टू यू जो भी इश्यूज़ है उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं अच्छे से और आपको बहुत प्यार करते हैं ठीक है लेट्स टॉक द इंटेंशन पार्ट इज अ ग्रेट वर्क यहाँ पे इंटेंशन में लाइक आई सेड थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि इनका कोई दोस्त हो सकता है फीमेल फ्रेंड मेल फ्रेंड जो भी एनी वे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लाइन में लाने वाले हैं और उनको ये बोलने वाले हैं कि तमीज से रहना है आपको तमीज से चलना है एंड दे वॉन्टेड uh, जो आपका पर्सन है वो अब उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लाइन में लाते हुए दिख रहे हैं ऐसा नहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उनको बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे बट अब वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि भाई मेरा पर्सनल मैटर है मेरे पर्सनल मैटर या मेरे मेरे और लीब्रा के बीच में इंटरफेयर मत करो दैट्स वन स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई एम सीन सेकेंडली विथ योर इंटेंशन द ग्रेट वर्क की एनर्जी है या ये कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं ये कहीं छोड़ यहाँ पे कोई ब्रेकअप या वैसी एनर्जी हरगिज नहीं दिख रही है मुझे ये आपके साथ इस रिश्ते पे वर्क ऑन करना चाहते जो भी इश्यूज़ जो की, जो कि कि दिख रहे हैं उस पर ऑन करना चाहते देयर इंटेंशन फॉर यू इज दैट दे वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू दे में सुधार लाना चाहते इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं टॉकिंग फ्यूचर एक्शन एनर्जी इज शेरॉन एनर्जी इनका जो आपके टू फिजिकल अट्रैक्शन है वो बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है वन सेकेंडली इनका प्यार आई एम सींग ये बहुत रोमांटिक हो रहे हैं सन स्प्लेंडर विद क्लियरली सिग्निफाइज ये बहुत रोमांटिक हो रहे हैं बहुत गिफ्ट्स देंगे बहुत पैम्पर करेंगे बहुत लाइक like, रोमांटिक टिक very very, very रोमांटिकोर sure करेंगे आप फालतू लड़ाई झगड़ा ना हो सो आई एम सींगेरी हैपी फुलफिलिंग रिलेशनशिप इन द कमिंग इन द कमिंग टाइम ये बहुत खुश रखेंगे और वही जैसा मैंने बोला ऐसा कुछ मेजर नहीं दिख रहा है आप दोनों के बीच में मुझे एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है

मैटर सॉर्ट आउट होगा यू आर इन अ वेरी हील्ड एनर्जी आप मेंटली इमोशनली बहुत सॉर्टेड आउट एनर्जी में हो मेरे हिसाब से आपके अंदर जो बुद्धि है जो जो दृढ़ता है जो स्टेबिलिटी है माइंड की स्टेबिलिटी कम्युनिकेशन की स्टेबिलिटी वो नेक्स्ट लेवल है लीब्रा आप एकदम अपने खुद अपने पूरे पावर में हो पूरे जोन में हो मेरे हिसाब से यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो यस yes, आप बहुत प्यार करते हो यस yes, आपको इस इंसान के साथ शादी करनी है बट आप एकदम करेक्ट एनर्जी में लीब्रा आप जो कर रहे हो जिस तो, जिस मचरिटी के साथ आप इस रिलेशनशिप को या इस पर्सन को हैंडल कर रहे हो वो नेक्स्ट लेवल है लीब्रा यू आर ऑन अ करेक्ट पार्ट डू डू वट इज गुड फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट आप बहुत अच्छी एनर्जी पे हो ठीक है आप एकदम लीब्रा के एसेंस में आओगे वैसे भी लीब्रा सीजन चल रहा है हम अक्टूबर में ही वीडियो बना रहे हैं सो या Now the future reaction, आप आप दोनों का future of the soul connection is androgen energy like I said romance बढ़ रहा है. Should on with the androgen energy it's romantic, romance, love, happiness, care, prosperity सब कुछ बढ़ रहा है. प्यार बढ़ रहा है. आप लोग के बीच में जो रिश्ता है वो day by day, month by month better होगा, strong होगा. देखो यहाँ शादी वाले energies देखो शादी का sun आया है. बट क्या शादी वाला क्वेश्चन है तो पर्सनल रीडिंग बुक करो रेस्ट आई एम सीइंग अ सींग्रॉ कमिटेड रिलेशनशिप फॉर श्योर यहाँ एक कमिटेड रिलेशनशिप है आप दोनों एक दूसरे को बहुत खुश रखोगे मेरे हिसाब से आप लोग ट्विनिंग करके कपड़े पहनोगे एक एक ही सेम टी शर्ट या सेम कलर के कपड़े पहनोगे रोमांस केयर लव रोजेस हैप्पीनेस सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है <laughs> लीब्रा क्लेम करो ये ये रीडिंग लेट्स चेक सम मैसेजेस देखते हैं आपका पर्सन आपको क्या बोलना चाहता है लीब्रा का पर्सन वन सेकेंड सेकेंड वन सेकेंड अच्छा जमीन में नहीं करे बटनी anyway, रुक जाओ रुक जाओ लीब्रा का पर्सन लीब्रा को क्या बोलना चाहता है चेक कर लेते हैं सम मैसेजेस ओके लेट्स सी यू आर माय ट्रू लव ये तो मैंने बोला ही था आपको ओके आई डोंट टू बी हु आई टू बी यू डिजर्व बेटर ओके सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी मी ऑफ यू यू एंड मेक फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर सो दीज लीब्रा बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है एंड इफ यू लाइक माई सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर Bye-bye.